क्रिकेट हिस्ट्री की वो एक गाली जो बन गई एक पहेली, ये बात है चाइनामैन की। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच चल रहा है जिसमें बांग्लादेश ऑल आउट हो चुके हैं और कुलदीप यादव ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। अच्छे बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी की है, उन्होंने भारत की तरफ से 5 विकेट चटकाए हैं। कुलदीप यादव को अपने इस एक्शन के बारे में चाइनामैन बॉलर कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कुलदीप यादव के इस चाइनामैन टैग के बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। फिर से स्वागत आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट संगम पर। दरअसल चाइनामैन जो है वो एक गाली थी जो एक जमाने में दी गई थी, उसके बाद वक्त बदलता गया और इस टैग को परिभाषित किया गया। चाइनामैन का अर्थ होता है चाइनीज आदमी। पहली बार इस शब्द का प्रयोग एलिस एचोंग के लिए किया गया था। यह बात साल 1933 के जुलाई महीने की है जब मैच चल रहा था, तब एलिस एचोंग ने वेस्टइंडीज की तरफ से गेंद डाली और इंग्लिश बल्लेबाज आउट हो गए। दरअसल वह बॉल ऑफ स्टंप से लेग स्टंप की तरह घुस गई थी जिससे कि बल्लेबाज को समझ में ही नहीं आया और उन्होंने जाते वक्त चाइनीज मैन को गाली देते हुए कहा दिस ब्लडी चाइनीज मैन। तब से यह टैग एलिस एचोंग पर लग गया। वो टैग जो इंग्लिश बल्लेबाज ने इस्तेमाल किया था, समय के बदलने के साथ साथ चाइनीज मैन से चाइनामैन हो गए और जो भी चाइना के एक्शन में बॉल करते हैं उसको चाइनामैन बॉलर की तरफ से ही जाने जाते हैं। अगर आप भी इस बात से अनजान थे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसके बारे में जानें। मिलते हैं इसी तरह एक नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।